भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो महज कांग्रेस ही इस पर आपत्ति दर्ज करवा रही थी, लेकिन अब उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने भी सतपाल सत्ती के खिलाफ नोटिस निकाल दिया है और 24 घंटे के भीतर उनसे इस मामले में जवाब मांगा है। अगर वे इसका जवाब नहीं देते हैं तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यही नहीं, उपायुक्त ने एक रिपोर्ट बनाकर इलेक्शन कमीशन को भी भेज दी है, जिसमें इस घटना का पूरा जिक्र किया गया है। उपायुक्त सोलन ने सतपाल सत्ती के खिलाफ एसपी नालागढ़ को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मदन हिमाचली ने उपायुक्त सोलन द्वारा उठाए गए इस कदम को स्वागत योग्य कहा है। उन्होंने कहा कि आज राजनीति अपने स्तर से नीचे गिरती जा रही है और यही समय है कि प्रशासनिक अधिकारी और इलेक्शन कमीशन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उपायुक्त सोलन ने सख्त कदम उठाकर उन नेताओं पर नकेल कसी है जो अभद्र टिप्पणियां कर सुर्खियां में बने रहते हैं। सोलन में सांसद वीरेंद्र कश्यप ने प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ जातिगत टिप्पणी कर राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुँचाई है, इसलिए उन्हें अपनी टिप्पणी पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस अध्यक्ष को इस घटना पर उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसलिए चुना क्योंकि वे एक विशेष जाति से हैं। ये सरकार गलत है और यह कथन बर्दाश्त के परे है और यही वजह है कि सारे देश में आक्रोश दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इस कृत के लिए अशोक गहलोत को माफी मांगनी होगी। जाति विशेष को और एक कास्ट बैलेंस बनाने के लिए जो है वो श्री कोविंद जी का चयन किया। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी और वो भी एक मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा करना वो अपने आप में जो है वो बहुत चिंताजनक है। मैं चाहूंगा कि श्री अशोक गहलोत जी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो है इस टिप्पणी को विड्रॉ। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रों के दौरान 1,06,68,464 रुपए का नग चढ़ावा मंदिर न्यास को प्राप्त हुआ है। इस पर चढ़ावे में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष 15,66,000 के करीब चढ़ावे में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मंदिर न्यास सोना 349 ग्राम 90 मिलीग्राम और चांदी 1 किलो 350 मिलीग्राम चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुआ है। ये जानकारी मंदिर न्यास के अधीक्षक तुलसीराम ने पत्रकारों को दी। हालांकि इस बार नवरात्रों के दौरान जहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से माता के दर्शनों के लिए पहुंचे, वहीं पर श्रद्धालुओं ने चढ़ावा भी दिल खोलकर चढ़ाया और माता के चरणों में सोने चांदी के अलावा नगद और विदेशी मुद्रा भी खूब चढ़ाई। दिनांक 6/4/19 से 15/4/19 तक 1,06,68,464 रुपए प्राप्त हुए हैं। नगद प्राप्त हुए हैं सोना 349 ग्राम 90 मिलीग्राम, चांदी 11 केजी 350 ग्राम तथा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 15,66,099 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस ट्रेनिंग में खासकर लड़कियों को जीवन में आने वाली मुश्किलों से कैसे निपटा जाएगा और अपना बचाव किस तरह से किया जाएगा के भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके सिखाए जा रहे हैं। साथ ही बचाव के तरीके आपातकालीन तरीके में कैसे बचा जाए उसके लिए भी गुर सिखाए जा रहे हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, आग,
भूमि कटाव, रोड एक्सीडेंट, हड्डियों की टूटना, CPR चेकिंग, सांप के काटने पर उपचार इत्यादि गुर बताए गए। प्रशिक्षक विजय कुमार राणा ने बताया कि लड़कियों को जो आत्म सुरक्षा के भिन्न भिन्न प्रकार के गुर सिखाए गए हैं, इनकी मदद से लड़कियां अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं, ताकि समय आने पर हर प्रकार की मुसीबतों का सामना कर सकें। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर जमकर बरसात हो रही है, जहां पर ठंडी और तेज हवाओं से जीवन अस्त व्यस्त है। तेज बरसात से गर्मी में सर्दी का एहसास पिछले दो दिनों से हो रहा है। मौसम का मिजाज चुनाव प्रचार में भी खराब असर डाल रहा है। स्वारघाट श्री नैना देवी के क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है और वहां पर धुंध के कारण गाड़ी चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। पटियाले तो आया जी, माता जी के दर्शन कर, बहुत बढ़िया मौसम है, पूरे बढ़िया माता के दर्शन हुए, बागो बाग हो गया माता।